गुड इवनिंग, वी आर एट द जिम कॉर्बेट अलोंग विथ फ्यू ऑफ आवर फ्रेंड्स टू वॉच इवनिंग सनसेट एंड सीतावनी जंगल फॉरेस्ट है मैम, एक्चुअली पूरा फॉरेस्ट है। फॉरेस्ट का नाम है? यस मैम, सीतावनी। लैपट दिख जाए क्योंकि टाइम अभी लैपट का है। यहाँ पे मतलब आते हैं, ऐसा नहीं है एलिफेंट आ जाते कभी कभी, बट अभी तो नहीं। बट रात को जैसे, बट अभी लैपेट का जैसे अंधेरा स्टार्ट हो जाता है तो लैपेट क्या गांव की तरह आना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो गांव में कुत्ते हैं या जो पालतू जानवर जो बाहर बधे होते हैं छोटे मोटे, तो उनको किल करने के लिए। बर्ड्स बेटा देखो सामने जा रही है, कौन सी कौन सा लैपेट? हाँ बुलबुल उड़ गया। We do hear the birds chirping. तो जैसे गुआवा फ्रूट होता ना, जब वो पक जाता पूरा था तो वैसे स्मेल आती है। तो पूरा फॉरेस्ट में आपको ज्यादातर यही दिखेगा। अभी क्या ये देखो ना सामने तो फॉरेस्ट है पूरा, उसकी कहीं झाड़ हुआ है। यस यस, जो नीचे है तो समर टाइम में क्या जैसे इसके अंदर ऐसे बड़ा होता था, गुफा टाइप की बन जाती है, केव टाइप की। तो जो भी एनिमल्स वगैरह जैसे समर टाइम में तो धूप लगती है तो उनके नीचे बैठे रहते हैं छाँव में। नहीं नहीं यही रास्ता, कभी थोड़ा सा ब्लू कलर। ये जो वॉइस सुनाई दे रही मैम, ये लैनेट बारबेट है, नहीं सॉरी ग्रेट बारबेट। आजकल तो ये कम है बट समर टाइम में जब आप आओगे तो पूरा इसी की ही आवाज़ सुनाई देगी आपको। So this forest is called Sita Bani. ये तो मालूम होगा क्या सामने आंटील? हाँ दीमक का। Yes. ये कितना साल पुराना होगा भैया पेड़? हाँ ये होगा से कम 100 बनिया, ये साल है, ये वाले ट्री साल, ये सारे साल हैं। और जो थोड़ा सा जिनकी लीफ चौड़ी है ना सामने जैसे हुआ है वो सागवान है। सागवान? यस मैम, वो जिनकी पत्ती चौड़ी है एकदम। तो ये तो सारे रास्ते यही लगा हुआ है। हाँ यहाँ पे कॉर्बेट में आपको सागवान और साल ही ज़्यादा दिखेगा। Yes, if Ganga is dry, it can be looking like this. Mummy. What did you say, Kaushal? But अभी क्या है ये आते नहीं अंदर। लॉन्ग टेल है ना, ये ट्री पाई है, वो उधर चली गई। वो कौन है जो इधर बोल रहा है? वो तो वुडपेकर है।
वो उठ पे कर रहे हैं जो इससे पहले आवाज आई थी मैम। जिसकी लीफ चौड़ी सी है ये सागवान है मैम। वो सामने जो उठ रही ना बर्ड देखो वो गई। चलो इसे वापस चलेंगे अभी। आज एक्चुअली मेरा कुछ फंक्शन था नीचे तो इसलिए मैं खुद लेट हुआ। माटलेट कोड़ा इंद्र रिकॉर्ड होता हूँ उन्हें। एंड व्हाट इज़ चार बजे नहीं मैं 5 बजे रखेंगे। वो सामने जा रहे एक ट्री पाई है। हाँ మొత్తం పోతుంది पहाड़ी टैटू भी हम लोग नेचुरल टैटू बना सकते हो इससे। जैसे ये वाली लिप्स है ना इसकी जो बैक साइड है आपको हैंड पर रखना है और पीछे से ऐसे प्रेस करेंगे तो ये छप जाएगा। ट्राई करें हाँ बैक बैक आपको प्रेस दबाने से दूर से कुछ जैसे टैटू है नेचुरल टैटू सो यू कैन ट्राई। खुजली वगैरह तो लगेगी? खुजली नहीं होती सर। खुजली लगी मैम आपने इसको फिर हाथ से प्रेस करना है मोबाइल में जोर से करना पड़ेगा। कम आया इसमें वो पुराना है ना इसको करो इससे ज़्यादा आएगा। तो टाइप ऑफ फर्न है अगर ब्लैक स्किन है तो उसमें ज़्यादा आपको ये ब्लैक प्रिंट ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो पीछे वाइट हाँ जिसका थोड़ा पीछे ज़्यादा वाइट रहेगा मैं वही वाला ज़्यादा यूज होगा। गुड 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 ये फर्न है सर एक टाइप का हाँ फर्न जोर से मारना पड़ेगा। हाँ मतलब थोड़ा जोर से मारना पड़ेगा आपको जो इजीली मिट जाता मतलब। बाकी पैरेट नेस्ट है ये जो होल दिख रहा है आपको छोटा सा पेड़ पे ये पैरेट का नेस्ट है। ये वाइल्ड एनिमल का रास्ता है यहाँ से जैसे डियर्स वाइल्ड बर्ड वगैरह ये मतलब इनका क्रॉसिंग रास्ता है यहाँ से जाते आते रहते हैं। तो अभी जाते जाते क्या हुआ रास्ता बन गया है पहले तो ऐसे खड़ा ही हुआ है तो जैसे डियर्स है वाइल्ड बोर है तो एक रास्ता यही है यहाँ पे पूरे इस रिवर में मतलब जहाँ से वो क्रॉसिंग करते हैं। नीचे पूरा फ्लैट है मतलब डीप है ऊपर तक। तो नीचे जाना रिस्क है तो कोई गांव वाले भी नहीं जाते नीचे। अगर बाय चांस आप गए कभी भी गया तो अगर कुछ मिल गया वाइल्ड बोर या कुछ भी तो आप बच नहीं सकते मतलब उससे क्योंकि आपको अगर उधर मिला भाग वापस आने के लिए यही रास्ते पर आना पड़ेगा तो तब तक आपको पकड़ लेगा। सो इसके नीचे जाना थोड़ा मना है? हाँ जी सर सेफ नहीं है अनसेफ है क्योंकि नीचे बहुत ज़्यादा झाड़ी है तो लेपर्ड वाइल्ड बोर कुछ भी हो सकता है। इधर इस रास्ते में आखिरी बार कब टाइगर देखा? टाइगर तो नहीं इधर लेपर्ड ज़्यादा आते हैं इस साइड। लेपर्ड लेपर्ड का बहुत ज़्यादा रहता है। आखिरी बार कब मिला लेपर्ड इधर? आखिरी बार तो अभी शायद 1 महीने पहले। कब? 1 महीने पहले सर दिखा था जो मतलब बट वैसे तो आते रहता है। अभी ड्राइवर बता रहा था कि कल रात को यहीं पर आवाज़ आ रही थी सामने जंगल में टाइगर आया था। टाइगर की आवाज़ सुनाई दे रही सर। ओके तो हमारी जो सिक्योरिटी है उसको तो मतलब कई बार सुनाया जाता है क्योंकि रात भर ड्यूटी पर रहता हूँ वहीं पे तो सेट बहुत ज़्यादा आती रहती है आवाज़।
जैसे आप बाइक चला रहे हो आपके पीछे कोई बैठा तो उसको सीधा एंड कर रहा था, तो उसकी टाइमिंग इतनी फिट थी मतलब वो सीधा पकड़ा और ले गया सीधा जंगल में। अच्छा, तो उस टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि मतलब आप दिन में भी बाइकर्स को बिल्कुल अलाउड नहीं कर रहे थे उस तरफ जाने के लिए, और फोर व्हीलर या जो भी है उनको भी रात को। रिसेंटली कोई रिसेंटली ऐसा ही सीन नहीं हुआ सर। उसके बाद वो टाइगर जो था वो जो उससे आगे एक मरचुला करके एक जगह है, तो जब वो दिन में ही वो आ गया था वहाँ पे, तो उसको भगाने के चक्कर में गोली उसको लगी तो वो शूट हो गया वहीं पर, तो उसने कहा 10-12 लोगों को मार दिया था। वो बहुत बड़ा केस हुआ। मैनहंटर हो गया तो फिर उसको जिंदा नहीं रखते ना? नहीं सर, या तो पकड़ के उसको फिर जू में रख देते हैं। अच्छा, तो जू में ही पकड़ने के लिए उसको गए थे वहाँ पे, बट वो गलती से उसको भगाने क्योंकि मार्केट में घुस गया तो बीच में, तो उसको पकड़ने के चक्कर में उसको लग गई गोली, तो उस वजह से फिर टाइगर को लग गया। हाँ, टाइगर को लग गया, तो इसलिए उसको जिसने लगी तो ऐसा होता कि केस हो जाता है उसके ऊपर, बट वो बचाओ में लगी तो फिर केस हुआ नहीं, तो वो बराबर हो गया उनका हिसाब। उसके बाद फिर वो एक बार मैनहंटर हो गया तो उसको बहुत मुश्किल है फिर संभालना, बहुत छोड़ना नहीं वो, फिर उसका वो सर हंट करते रहेगा, उसकी हैबिट बन जाती है क्योंकि उसको क्या इजीली वो मिल जाता है उसको अपना शिकार, तो जो भी ज़्यादा नहीं भाग सकता जैसे आदमी है या कोई भी ऐसे जानवर है तो उन पर ज़्यादा अटैक करता हो, खास करके ह्यूमंस पर ज़्यादा अटैक करता है। हाँ, बट टाइगर या तब अटैक करता है किसी पर जैसे वो बुढ़ा हो गया हो, तो ओल्ड एज में जब वो भाग नहीं सकता है तो वो आप पे अटैक कर सकता है, या फिर उसके साथ टाइग्रेस जैसे फीमेल उसके साथ उसे कब्स हो बच्चे हैं तो इजी, तो अब वो उस टाइम पे आप पे अटैक कर सकते हैं क्योंकि अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए उसको ये लगता है कि मेरे बच्चों को पकड़ने आ रहे हैं या उस डर की वजह से वो सेफ्टी से आप पे अटैक कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसा कोई केस नहीं होता। एक बार अटैक हो गया तो मार गए तो देखिए टाइगर क्या है ना, अगर जैसे लेपर्ड अगर अटैक करता तो लेपर्ड के अटैक से आप 50% बच सकते हैं मतलब। ओके, अगर टाइगर जब अटैक करता है एक्चुअली उसके क्या ना पंजा इतना बड़ा होता है, अगर उसने एक ही पंजा किया तो आपको मेरा पूरा फेस खराब मतलब निकाल देगा वो। अच्छा, इतने लंबे उसके नाखून नहीं होते मतलब, इतना डीप गए तो फिर क्या। हाँ, वो एक्चुअली ऐसे होता है पूरा नेल्स। हाँ, तो पूरा ही निकाल देता, पूरा ऐसा पूरा नेल्स ऐसे लॉक हो जाता है तो पूरा खींच देता मांस। वेरी डेंजरस, सो दैट्स व्हाई जब भी गाइड के ऐसे जगह हम आते हैं हमेशा गाइड की गाइड को फॉलो करना चाहिए सर। यस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सफारी भी जाते हो जो भी गाइड आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो उसको आपको फॉलो करना है। कल भी वो जब हम जिम कॉर्बेट के जा रहे थे ना, वो गाड़ी से नहीं उतरना है, नहीं खड़ा होना चाहिए, सो बता रहे थे। क्योंकि आप बीच में यहाँ से जब रामनगर के लिए भी जाते हो तो कहीं पे भी नहीं उतरना आपको। यस, कहीं पे भी हो सकता है कि एलिफेंट कहीं से भी आ सकता है। अच्छा, टाइगर लेपर्ड कुछ भी। और बीच में ऐसे अगर आप बचा अकेले हो फंस गए हो तो सिचुएशन ऐसी आती है कि कोई भी नेटवर्क नहीं आता मोबाइल पे, तो उस कंडीशन में आपकी हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं आ सकता वहाँ पे। राइट, बट कोई लोग उधर गाड़ी खड़ा के कल सेल्फी फोटोज भी खींच लेते हैं। हाँ सर, कुछ लोग होते हैं जैसे गांव वाले जो नहीं मानते मतलब जो अपने रिस्क पे, बट उनको ये पता ही नहीं रहता कि क्या होने वाला है, सडनली हो जाता है तो फिर वो पछताते हैं लोग। बट एल्डरली पीपल जिसका थोड़ा अनुभव ज़्यादा है उन्हें ऐसा नहीं करते। यस सर, ये सब यंग गर्म खून लोग करते हैं। गर्म खून जो मतलब जैसे फ्रेंड लोग आते हैं पार्टी के मूड पे, उन्हें भाई कुछ नहीं होता चलो बैठ जाओ, वही केस जो मैं बता रहा था अभी आपको वही केस हुआ उनका भी, उनको मना करने के बावजूद भी वो लोग गए। और सो अब वो टाइगर जो वो मैन को खाई है ना, अब वो टाइगर हमेशा सब लोग के लिए रिस्क है। नहीं वो तो सर वो नहीं वो तो पकड़ा गया। अच्छा, वो पकड़ा गया अभी, उसके बाद नहीं हुआ कोई भी मैनेज। अच्छा, बट वो फर्स्ट एंड लास्ट है वो टाइगर के साथ जो भी स्टोरी। हाँ, उसके बाद फिर नहीं हुआ। अच्छा, मगर वो टाइगर को नहीं पकड़ा हुआ समझो, देन उसके आदत हो जाता ना फिर। हाँ, फिर तो सर वो कभी भी दिन में रात में कभी भी वो कहीं पे भी घुस सकता है मतलब। वो हमारा पूरा पिकनिक स्पॉट्स हो वो फिर मेमोरी कर देगी। यस सर, वो आपका पिकनिक स्पॉट मेमोरेबल बना देगा, तो उसके साथ नहीं जाना ज़्यादा। मंकीज तो काफ़ी है मैम यहाँ पे, मंकीज मंकी तो बहुत आपका एक्सपर्ट है। आप उसको ये पता है कि डोर कैसे ओपन करना आपका, तो एक दो मंकी तो ऐसे है ना आपके रूम पर आएंगे उनको कुछ नहीं चाहिए, जो टी सेसेज या जो मिल्क सेसेज है बस मिल्क सेसेज। आज सुबह हुआ हमारे साथ वही लेके जाएगा, अगर आपके वहाँ पे चिप्स
फ्रूट रखेंगे उनको नहीं लेगा वो, वो खाली वही लेके जाएगा। एक अच्छा वो एक वो मोटा भी थी वो मंकी, आज आज समर आके वो सिर्फ वो मिल्क पैकेट वो छोटे एंड शुगर का लेके गई बस। हाँ। उसको डायबिटीज होगा फिर आगे। डायबिटीज तो फिर उसके हमको इलाज करना पड़ेगा। यस सर। अभी तो एक उसमें से पकड़ा गया जिसका यहाँ पे व्हाइट स्पॉट था एक। अच्छा है ना। तो चीक पे वो बहुत डेंजर था। अच्छा तो मतलब एकदम एग्रेसिव हो जाता था, जैसे आप उसको भगाने की कोशिश करो अग्रेसिव होते एकदम काटने आए। मतलब बहुत बड़ा लीडर था उनका वो लीडर। तो बीच में क्या हुआ, हाँ मतलब मंकी से क्या ना, जो ज़्यादा जहाँ पर ज़्यादा मंकी परेशान करते थे उनको पकड़ के दूसरे जंगल में छोड़ देते हैं। पर जो आज हम सुबह देखे हैं वो बहुत कंफर्टेबल था वो। हाँ नहीं अभी सर देखिए ये जो बड़े बंदे थोड़ा भाग रहे हैं, बट अभी जो छोटे बच्चे जो हमारे सामने ही जो बड़े हो रहे हैं अभी, हाँ, वो नहीं करते वो तो वो अब वो डरते नहीं बिल्कुल भी। हाँ, वो नहीं डरते। अगर आप ऐसे चल रहे हो ना वो आपके पास में आपका पैर पकड़ देगा सर। उनको एक्चुअली बचपन से हैबिट बन गई हमारे साथ रहने की यहाँ पे। वो डरते ही नहीं बिल्कुल। उनको ये भी मालूम है कि स्टाफ है गेस्ट है। अगर आप जैसे रेस्टोरेंट के बाहर टेबल पे बैठे हो जैसे हम लोग लंच करते कभी बाहर ना वो आस पास रहते हो तो हमारे पास बहुत मतलब बहुत दूर तक रहते हैं आते नहीं एकदम से। अगर उनको अगर आप लोग बैठ रहेंगे ना उनको पता है कि ये स्टाफ नहीं है तो वो तुरंत ही टेबल पे आ जाता सीधा। और उनकी जजमेंट भी तेज रहती है, अगर आपको लगे कि कहीं मंकी नहीं है वो पेड़ पे बैठे रहता है ऊपर टॉप पे। जैसे आप लॉन में बैठेंगे कुछ चिप्स वगैरह लेके बैठे चुप, हाँ एकदम से आएगा पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ से आया। बैठ के टेबल पर आप भगाने कोशिश करो आपको खुद डरेगा वो, तो फिर आपको देना पड़ेगा उसको कुछ ना कुछ। थैंक यू भैया। थैंक यू सर। थोड़ा हमको भी बर्ड वॉचिंग का एक्सकर्शन किए शाम को, बट बड़े अच्छे व्यूज़ मिले एक्चुअली मुझे। आई एम फर्स्ट टाइम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो सो थैंक यू। आपका नाम क्या बोले? वीरेंद्र सिंह सर। वीरेंद्र सिंह जी एंड आई एम डॉक्टर किरण। सो बहुत अच्छी चीज़ है इन्फॉर्मेशन बोले। सो हम एग्जैक्टली किधर खड़े हुए अभी? अभी सीतामणि रिजॉर्ट के गेट पर खड़े हैं सर। जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट पर। वेरी गुड, थैंक यू साहब। थैंक यू सर। तो कल भी रहेगा अगर कल, थोड़ा जल्दी निकलेंगे हम लोग। हाँ।